तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल के नए वीडियो में। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं GTA 5 के बेसिक कंट्रोल्स के बारे में। और वो कंट्रोल्स के सजेशन के लिए मुझे कुछ कमेंट्स आए थे, तो उसी पे मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो प्लीज़ दोस्तों, कमेंट जरूर करो यार, सजेशंस दो, आपकी वीडियो जरूर आएगी। आप देख सकते हो ये हैं वो कुछ कमेंट्स। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बेसिक कंट्रोल्स की। तो बेसिक कंट्रोल्स में सबसे पहले आ जाता है फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड। तो उसके लिए आपको डब्ल्यू प्रेस करना होगा। डब्ल्यू प्रेस करोगे तो ये सामने चलने लग जाएगा। और पीछे चलना है आपको तो S4 शिफ्ट पीछे चलने लग जाएगा ये। और फिर लेफ्ट साइड जाना है तो A प्रेस करना पड़ेगा। और फिर राइट साइड के लिए D। और जंप के लिए, अब जैसे अपन को जंप करना है तो जंप के लिए सिंपल स्पेस बार क्लिक करना होता है। अब ये जैसे इसने जंप करी, जैसे मैं स्पेस बार प्रेस करता हूँ, तो अगर आपको किसी चीज़ के ऊपर चढ़ना है तो उसके लिए भी आप स्पेस बार प्रेस कर सकते हो। जैसे ये चढ़ चुका है, अब ये नीचे नीचे उतरने के लिए कुछ भी प्रेस नहीं करना होता अपने आप। अगर डब्ल्यू प्रेस करोगे तो अपने आप चढ़ जाएगा। अब जैसे इसके ऊपर भी चढ़ गया है स्पेस बार प्रेस करने से। और अब ये नॉर्मल डब्ल्यू से तो ये चलता है। हाँ भाई, ये ऐसे कैसे भागता प्राण कैसे। तो डब्ल्यू प्लस लेफ्ट शिफ्ट, डब्ल्यू प्लस लेफ्ट शिफ्ट, उससे ये ऐसे भागने लग जाएगा। ठीक है। और फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, व्हीकल के अंदर एंटर कैसे करते हैं। तो भाई, उसके लिए सबसे पहले अपन को व्हीकल स्पॉन करना होगा। तो ये रही अपनी व्हीकल, इसमें ये पहले से बैठा हुआ है। तो आप इसमें जैसे ही F प्रेस करोगे तो इस गाड़ी के अंदर ये बैठ जाएगा। F F F फॉर फालतू बकवास F। ठीक है। तो F प्रेस करते ये गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। और जैसे ही आप F वापस प्रेस करोगे तो गाड़ी से बाहर आ जाएगा। अब बात करते हैं इसको भाई, खड़े खड़े मेरे को बस अपनी गर्दन मुंडी हिला के पीछे देखना है। खड़े खड़े तो कैसे देखूं, मुंडी ही नहीं हिलाई इस भाई साहब ने। तो सामने सामने देख रहा है, पीछे इसके कैमरा लगा हुआ है तो अपने आप देख लेता है। ये नई डिजाइन करी है GTA 5 ने। तो आप देख सकते हो पीछे बस थोड़ी सी गर्दन घुमाई और उसको पीछे का सब कुछ दिख गया भाई। 360 डिग्री एंगल की इसकी आंखें हैं। क्या बात है भाई, मेरे भी हो गए ऐसे। भाई मुंडी क्या घुमा रहा है, वैसे ही दिख रहा है तेरे को। तो सिंपली आप ये ऐप को पीछे का मतलब नज़ारा देखना है तो उसको सी प्रेस करना होगा। सी, वैसे तो आप एस प्रेस करके उधर घूम भी सकते हो, लेकिन आपको खड़े खड़े देखना है। हाँ भाई, खड़े खड़े पीछे का नजारा देखना। अब इसकी मुंडी तो सामने साइड और पीछे का देखना है, तो सी प्रेस करो, पीछे का दिख जाएगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट। तो वेपन व्हील, मतलब जो वेपन व्हील होता है उसको ओपन कैसे करें, ये इसकी मैंने एक वीडियो डाल भी रखी, आप उसको ऊपर जाके देख सकते हो। वेपन्स की डिटेल्स भी मिल जाएंगी उसके बारे में। तो उसके लिए सिंपली आपको टैब प्रेस करना होगा। टैब प्रेस करोगे तो ये वेपन व्हील आ जाएगा। टैब प्रेस करके छोड़ना नहीं, उसको पकड़ के रखना है। तो ये सारा वेपन व्हील्स आ जाएंगे, फिर उसमें सेलेक्ट कर सकते हो माउस को इधर उधर हिला के, या फिर सिंपली आप ऐसे भी इसके माउस के जो मिडल वाला बटन होता है उसको भी ऐसे स्क्रॉल कर सकते हो, तो वो वेपन्स अपने आप सेलेक्ट होते जाएंगे। इसकी डिटेल वीडियो ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। फिर नेक्स्ट है एम कैसे करें। हाँ भाई, मेरे को उस पक्षी को मारना है, उसको मतलब एम करना पड़ता है ना, वैसे निशाना लगा के बैठना पड़ता है, फिर फायर करते हैं। तो एम कैसे करें, तो एम आपको सिंपली राइट क्लिक करना है। अब ये मैंने एम कर रखा है, फायर नहीं कर रखा। अब एम जैसे ही कर लिया मैंने, अब फायर करता हूँ यार, वो मर गई। तो आप देख सकते हो हम उसके पास जाते हैं यार, देखे तो सॉरी। ये आपको एम करने के लिए सिंपली आपको राइट क्लिक प्रेस करना होगा। राइट क्लिक प्रेस करोगे तो वो अपने आप सेट हो जाएगा। तो अभी हम उसकी लाश को दफना के आए क्या, कहाँ पे है भाई। भाई मैं तो मर्डरर हो गया हूँ, हत्या कर रहा हूँ यहाँ पे, पता नहीं कहाँ पे, जो भी है वो मर गई थी। लेकिन बहुत थोड़ा गलत किया। तो ये हो गई, राइट क्लिक से आपको एम करना है। अब फायर किससे करें, फायर करने के लिए आपको सिंपली लेफ्ट क्लिक करना होगा। सिंपली लेफ्ट क्लिक भी कर सकते हो, एम करने के बाद में भी लेफ्ट क्लिक कर सकते हो, तो फायर हो जाएगा। ऐसे वो कहीं पे भी मतलब गाड़ी पे मत चलाया, नहीं नहीं खरीदी है।
खरीदी तो क्या है, मैं स्पॉन कर लेता हूँ 0 रुपए में। और अब कवर, मतलब अपन को भाई जाना है कहीं बैंक लूट में, तो कवर कैसे लें, छुपे कैसे? तो ये देखो आप देख सकते हो, ये छुप चुका है और अब ये वापस छुप चुका है ऐसे। यहाँ इसी टायर के पीछे नहीं, कहीं पे भी छुप सकता है, इस टायर के पीछे भी, या फिर कोई पेड़ के पीछे भी छुप सकता है, पत्थर के पीछे भी छुप सकता है, कहीं पे भी। पत्थर के पीछे नहीं छुपता है, इसको पता ही नहीं है पत्थर का भी कवर होता है भाई, पबजी में तो होता ही। हाँ अरे वाह वाह वाह, समझ गया, पत्थर के पीछे भी कवर ले सकते हो। ये कवर किससे लेते हैं, ये लेते हैं अपन क्यू, सिंपली क्यू प्रेस करोगे तो एक कवर आ जाएगा, ठीक है। अब बात करते हैं फायर का, हो गया। अब सेल फोन, मतलब इसके पास एक मोबाइल भी दिया है इसके मम्मी पापा ने, तो वो बोला बेटा कोई नहीं तेरे को एक मोबाइल देता हूँ, माइकल और ट्रेवर के पास भी है तो तू भी ले यार। तो वो कैसे खोल रहे, ये जेब में रखता है हमेशा, कभी भी नहीं रखता, वैसे होना चाहिए, नहीं चाहिए मोबाइल तो हमें साइड में होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है ना। तो वो कैसे ओपन होता है, तो वो सिंपली आपको एरो वाला बटन क्लिक करना होगा, एरो का आपको राइट हैंड साइड मिल जाएगा, जिससे हम वाई सिटी में गाड़ी या फिर पैदल जिससे आगे चलते थे, फॉरवर्ड होते थे, तो वो वाला बटन। और वापस आपको मोबाइल फ़ोन दिख गया, भाई मेरे को नहीं देखना, चल बंद करे इसको। तो ये बंद कैसे करना है, बंद करना है आपको सिंपली बैक स्पेस क्लिक करके, बैक स्पेस क्लिक करोगे तो ये बंद हो जाएगा। अब बात हो चुकी है कुछ बेसिक कंट्रोल्स और फायर कंट्रोल्स के बारे में, अब चलते हैं व्हीकल कंट्रोल्स। तो व्हीकल कंट्रोल्स में मैंने एक तो बता ही दिया था आपको, सिंपली एफ प्रेस करने से गाड़ी में एंटर हो जाता है। अब गाड़ी में आगे कैसे बढ़े, सेम पैदल चलने जैसा है, W प्रेस करोगे तो ये गाड़ी आगे चलेगी फॉरवर्ड, और S प्रेस करोगे तो ब्रेक भी लगेंगे, अगर गाड़ी भागी हुई है ऐसे भाग रही है तो S प्रेस करोगे तो ब्रेक लग जाएंगे, और ब्रेक लगते फिर अपने आप पीछे होने लग जाएगी। प्रेस के लिए पीछे क्या लगे, पीछे बैक गियर है इसमें, और फिर A से लेफ्ट और R से राइट, A से लेफ्ट और D से राइट, सॉरी मेरी गलती हो गई, A से लेफ्ट और D से राइट, और फिर एक हो गई। और अब हैंड ब्रेक, भाई हैंड ब्रेक भी तो होना चाहिए, ये पीछे वाले ब्रेक से, तो मैं हमेशा पीछे वाले ब्रेक से ही रोकता हूँ, मतलब फ्रंट में चल रहा हूँ तो बैक गियर लगा दूँ अपने आप रुक जाएगी। अब हैंड ब्रेक दबाना है, तो हैंड ब्रेक के लिए आपको स्पेस बार क्लिक करना होगा, उससे बहुत धीरे रुकती है गाड़ी, लेकिन हैंड ब्रेक पता नहीं क्यों ऑप्शन दे रखा है। हैंड ब्रेक में तो भाई गाड़ी पलटी जाती है, इसमें साला ब्रेक ही नहीं, ढील है इसके। देखो अब मैंने मारने चालू किए, कितनी देर में रुकी है, अभी भी नहीं रुकी, और एस प्रेस करने से कितनी जल्दी रुकती है देखते हैं। आप देख सकते हो बहुत ज्यादा जल्दी रुकती है, लेकिन हैंड ब्रेक का नाम दे रखा है, कोई नहीं मैं बता देता हूँ, कंट्रोल है स्पेस बार से हैंड ब्रेक लगते हैं। अब बात करते हैं भाई इसकी बत्ती कैसे जलाएं, आगे वाली फ्रंट वाली, तो सबसे पहले कर लेते हैं थोड़ा अंधेरा 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 टाइम। अरे यार बैकवर्ड करना, तो आप देख सकते हो ये लाइट पहले से जली हुई है, लेकिन अगर अपने पास ये नहीं है ये टाइम आगे पीछे करने का सिस्टम, या फिर अरे वाह यार क्या सीनरी है भाई, ऊपर देख सकते हो कितनी शानदार लग रहा है यार, सच में मैंने आज से पहले कभी नहीं देखा है, पता नहीं कैसे। तो ये अपन टॉपिक पे आते हैं, तो ये लाइट कैसे ऑन करें, तो सिंपली आप देख सकते हो ये लाइट और तेज हो गई और बंद हो चुकी है, अब वापस चालू कर दी और ज़्यादा तेज हो गई और बंद हो गई। तो ये कैसे करते हैं, सिंपली आपको H4 जो भी H प्रेस करो ना यार, H समझ गए, मैं स्क्रीन पे दिख भी रहा होगा कि, तो H प्रेस करोगे तो एक बार लाइट जल जाएगी, वापस H प्रेस करोगे तो और ज़्यादा मतलब फोकस हो जाएगा, और वापस H प्रेस करोगे तो बंद हो जाएंगी, मतलब दो ऑप्शन है लाइट के, लो हाई ऑफ हो गया, लाइट का ऑप्शन हो जाते हो गए। अब बात करते हैं हॉर्न, आवाज तो आती है ना यार, चाहिए यार इतनी मतलब भयानक रोडों पे तो चाहिए होता है, तो उसके लिए क्या करना होगा आपको, टाइम कर लेते हैं पहले आगे, बस रोशनी हो गई, तो ई प्रेस करना होगा, E4 हाथी, E4 एलिफेंट होता है वैसे, हाथी इंजन होता है, E4 एलिफेंट, ई प्रेस करना होगा तो हॉर्न बजेगा। हेडलाइट्स हो गई, हैंड ब्रेक हो गए। अब बात करते हैं नेक्स्ट व्हीकल वेपन, मतलब भाई गाड़ी में से मेरे को गन चलानी है, कैसे चलाऊं, तो सिंपली आपको टैब प्रेस करना होगा, टैब प्रेस करोगे तो गन आ जाएगी,
तो अब वापस टैप प्रेस करोगे तो वो वेपन्स आगे स्विच होते जाएंगे, मतलब अपन कंटिन्यूसली टैप प्रेस करते जाते तो वेपन्स नेक्स्ट स्विच होते जाएंगे, और इसमें सारे वेपन्स नहीं आ सकते, मतलब अपन गाड़ी में से ये तो है नहीं कि रेल गन लेके बैठ जाएंगे और चलाने लग जाएंगे, तो कुछ वेपन्स ही यहाँ गाड़ी में से यूज़ कर सकते हैं। और इसका एक और भी तरीका है, आपको माउस के बीच में जो स्क्रॉल वाला होता है उसको स्क्रॉल करते जाओ ऊपर या फिर नीचे, तो वेपन स्विच होते जाएंगे, और जैसे जिस पे भी आप ये लाके छोड़ दोगे तो वो वेपन उसके हाथ में आ जाएगा। तो अब इसको यूज़ में कैसे करना है गाड़ी के अंदर बैठे बैठे, तो सिंपली आपको करना है राइट क्लिक एम करने के लिए, और फिर उधर लेफ्ट क्लिक प्रेस कर देना, तो वो गाड़ी मतलब वो फायर होने लग जाएगा वहाँ से। अब जैसे आप देख सकते हो मैंने राइट क्लिक किया एम हो गया, अब जैसे ही लेफ्ट क्लिक करता हूँ तो ये फायर करने लग जाता है। अब जैसे और कुछ भी ले सकते हो आप, ग्रेनेड, तो राइट क्लिक किया एम हो गया, अब ये हाथ में लेके इस ग्रेनेड ही है तो इसको फेंक दो, तो ये फेंक दिया इसने, अब ये फटने वाला है, 3 2 1। अरे वाह क्या कॉम्बिनेशन बैठा है, मतलब अब ये हो गई गाड़ी की बात, मतलब गाड़ी के सारी चीज़ों की बात। तो अब चलते हैं एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स की तरफ, तो इसको साइड में लेते हैं और चलते हैं एरोप्लेन के पास। तो अभी जो है एक फंक्शन रह गया था गाड़ी का, वो है ड्रिफ्ट वाला। तो ड्रिफ्ट कैसे करते हैं भैया, तो सबसे पहले गाड़ी को भगाओ, हैंड ब्रेक का बता ही दिया, और आप लेफ्ट या फिर राइट साइड किसी भी साइड मोड़ लो तो अपने आप ड्रिफ्ट हो जाएगी। को क्या करना है, W आगे आगे बढ़ना है गाड़ी को, और फिर हैंड ब्रेक पर प्रेस करते हुए A या फिर D दबा दो, दोनों एक साथ, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी चलेगा लेकिन परफेक्ट एक साथ ही रहेगा। क्या शानदार ड्रिफ्ट आप देख सकते हो, या आप कौन सी भी साइड कर सकते हो, राइट साइड की ड्रिफ्ट या फिर राइट साइड दबाओ तो राइट साइड की ड्रिफ्ट, लेफ्ट साइड तो लेफ्ट साइड की ड्रिफ्ट। भाई साहब बच गया, शानदार कटका। तो लेफ्ट साइड अभी मैंने कौन सी की थी, जो भी जो भी जो भी बच गई भाई। ओ ये या ओ ये बहुत क्या शानदार था यार, मानना पड़ेगा वापस आ गई हम लोग गाड़ी। तो ये थी, और अभी एक और रहा हुआ है गाड़ी को, एक जगह गोल गोल कैसे घुमा, जैसे घूम रही है एक जगह ही, भाई साहब देख सकते हो आप क्या मतलब, एक जगह ही टायर घूम रहे, आगे वाले तो कुछ नहीं कर रहे, पीछे वाले कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, तो अभी आप देख सकते हो उसमें घूम रही है, एक जगह घूम रही है। तो ये कैसे करता है, तो ये आपको W+A या फिर W+D प्रेस करना होगा, W+A प्रेस करोगे तो इस साइड घूमेंगी, और D प्रेस करोगे तो ये उस साइड घूमने लग जाएगी। अभी मैं W+D प्रेस कर रहा हूँ, घूम जा यार, मिट्टी में भी जा रही है, मिट्टी में भी कर सकते हैं ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो नहीं कर सकते, इसे क्या बोलते हैं, जो भी ड्रिफ्ट ही समझ लो यार, टायर तो घिसी रहे हैं ड्रिफ्ट में, वही होता है। इसको रिपेयर कर, रिपेयर व्हीकल्स फिक्स, तो अभी हो चुकी है रिपेयर, तो आपको बता दिया ये दोनों, बस गाड़ी का फंक्शन पूरा। तो अभी चलते हैं एयरक्राफ्ट की तरफ, नेक्स्ट कंट्रोल की तरफ, और वो है एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स। तो चलिए दोस्तों, मैंने उधर एरोप्लेन कर रखी है सामने, और वहाँ मैंने इसलिए खड़ी करी है तो वहाँ तक मैं डेमो देता जाऊँगा भाई, तो डेमो भी तो देना होता है ना। तो अभी इसमें बैठ जाते हैं, फिर इसके कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो कंट्रोल्स इसके सिंपली आगे पीछे चलने वाले तो नॉर्मल कंट्रोल्स जैसे हैं, जैसे अपन पैदल चलते हैं फिर गाड़ी चलाते हैं, W से आगे जाएगी एरोप्लेन, और फिर A से लेफ्ट, D से राइट जाएगी, D से राइट, और A से लेफ्ट, और S से पीछे। नॉर्मल कंट्रोल्स की बात हो गई, ऐसे ये चलती है लैंड पे, हवा में भी चलती है, आगे इसकी डिटेल वीडियो मैं कर दूंगा तो वो उसमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, इसमें वैसे बता देता हूँ नॉर्मली वरना वीडियो लंबी बहुत हो जाएगी। तो
वो नॉर्मल कंट्रोल्स हो गए, अब प्लेन को उड़ाने की बात करते हैं। तो दोस्तों अपन चलते हैं लोस, इधर किधर है वो लोस सेंटोस एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो भी है वो, क्या है ये, इधर करता हूँ, लोस सेंटोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट, हाँ सही है, तो इधर मार्क कर लेते हैं। हाँ तो अपन इधर चलेंगे, इधर से इधर, तो ये ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, टेंशन मतलब उस बारे में। तो अभी जो प्लेन को उड़ाते टाइम उसके कंट्रोल्स की भी बात कर लेंगे, तो उड़ाने के लिए सबसे पहले 5 क्लिक करना होगा, 5 प्रेस करना होगा, क्लिक नहीं, 5 प्रेस करोगे, नम पैड वाला 5, ध्यान रखना नम पैड वाले बटन्स की बात कर रहा हूँ, नम पैड वाला 5 प्रेस करोगे तो ये ऊपर उड़ जाएगा। अब ऊपर हवा में कंट्रोल करने के लिए आप लोग प्लेन को उड़ाने के लिए W को प्रेस करके रखना होगा, वरना ये बंद हो जाएगा इंजन, मतलब चलेगी नहीं। और फिर 6 से ये शार्प लेफ्ट राइट टर्न लेगा, 6 नम पैड वाला 6 से शार्प राइट टर्न लेगा, और फिर 4 से नम पैड का उससे शार्प लेफ्ट टर्न लेगा, और नॉर्मल टर्न लेने हैं तो ए से आराम से स्लोली स्लोली ये लेफ्ट टर्न लेगा, और डी से स्लोली 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 राइट टर्न लेगा। और ऐसे मतलब लैंड कराते टाइम इसको नीचे भी ऐसे नीचे ले जाते हैं ना, तो ये आपको 8 प्रेस करना होगा नम पैड वाला, उससे नीचे आ जाएगा, और 5 से फिर ऊपर उड़ाने के लिए, या फिर जब नीचे की साइड जा रहे हो तो उसको ऊपर करने के लिए 5 नम पैड का। और बाकी थोड़ा बहुत मोड़ना है तो उसको, और उतारते टाइम एस प्रेस कर देना ताकि इसकी स्पीड धीरे हो जाए। अब बात करते हैं एक और बचा हुआ है, लैंडिंग कंट्रोल, लैंडिंग गियर्स, कंट्रोल ने लैंडिंग गियर्स, तो आप देख रहे हो नीचे इसके टायर हैं उसको अंदर कैसे बंद करें, तो ये हो गए बंद, देख सकते हो। तो इसके लिए सिंपली आपको जी प्रेस करना होगा, जी जी फॉर बॉडी, तो उसको जी को प्रेस करोगे तो ये खुल जाएंगे और बंद हो जाएंगे। अभी मैं वापस जी प्रेस करता हूँ तो ये खुल गए। तो चलिए दोस्तों अभी एयरपोर्ट की तरफ चलते हैं। तो हम पहुंच चुके हैं एयरपोर्ट और हम अभी इसको लैंड करने वाले हैं। ये मेरा मेन मोटिव था लैंड करने का, क्योंकि मेरे को लैंड करनी बिल्कुल भी नहीं आती, बड़ी वाली प्लेन तो बिल्कुल भी नहीं रही, ये पता नहीं अब कैसे लैंड हो गई। देखो स्किल्स भी 20 ही हैं, 100 में से 20, तो बहुत कम चलानी आती है मेरे को एरोप्लेन, इसलिए मैं लैंड करने की कोशिश कर रहा था। ये बात हो गई एयरक्राफ्ट कंट्रोल्स के बारे में, तो अभी नेक्स्ट चलते हैं वाटर कंट्रोल्स के बारे में। चेंज कर दिया मैंने वीडियो दूसरा, तो अपन मैंने मैप में मार्क कर लिया है, रुक यार, हाँ मैप में मार्क कर लिया है, नहीं करा क्या, कर लिया। अपन यहाँ पे जाएंगे पानी में और वहाँ से जंप करेंगे, तो उससे पैराशूट के कंट्रोल्स भी हो जाएंगे और पानी में जाके पानी के कंट्रोल्स भी देख लें, पानी के नहीं सॉरी पानी में चलने के कंट्रोल्स भी देख लेंगे। तो चलिए दोस्तों चलते हैं, प्लेन से जाएंगे तो चलते हैं। तो अभी जो है हम यहाँ से जंप करेंगे, तो 3 2 1 गो, उतर गया है ये। और अभी जो है पैराशूट ओपन करने के लिए आपको लेफ्ट क्लिक करना होगा, लेफ्ट क्लिक या फिर एफ प्रेस करोगे तो पैराशूट ओपन हो जाएगा। अब इसको कंट्रोल नॉर्मली जैसे चलते हैं उससे करते हैं, तो आप देख लेना वैसे। और अब मेरे को ये करना है कि भाई मेरे को ऐसे बहुत धीरे जा रहा है ये तो नीचे की साइड, तो बहुत जल्दी ले जाना है, तो W को प्रेस करोगे तो आगे साइड हो जाएगा, और इसको पैराशूट को रिमूव करना है। हाँ भाई नीचे पानी है तो लगेगी, तो ऐनी नीचे चले जाते हैं सीधा छोड़ के, तो गलती से प्रेस हो गया और मेरे को बस छुड़ाना है, अब इससे पीछा छुड़ाना है, तो सिंपली आपको F प्रेस करना होगा। F प्रेस करोगे तो ये पैराशूट जो है ये हट जाएगा, मतलब ये डिस्टैच हो जाएगा। हाँ मैं हूँ, वो डिस्टैच नहीं डिटैच होता है, बोलना तो सीख ले कम से कम। तो ये मैंने प्रेस किया तो डिस्चार्ज हो चुका है। अबे छोड़ो यार छोड़ो। अभी एक और पैराशूट का ऑप्शन आ गया, क्योंकि मेरे पास मैंने अनलिमिटेड कर रखे हैं, तो मैं चाहूँ तो वापस भी कर सकता हूँ और चाहूँ तो वापस रिमूव कर सकता हूँ। और दूसरा वाला पैराशूट आपको हवा में कहीं पे नहीं दिखेगा, पता नहीं कहाँ पे गायब करते हैं GTA वाले। अभी जो है, अरे यार सामने सामने शार्क है कि क्या है भाई, कितनी सारी मछलियाँ मेरी, फटी 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 फटी, बच गया बच गया बच गया बच गया।
अब ये पानी के ऊपर आ गया मैं। अब ये आप देख रहे होंगे तो कैसे किया, तो ये कुछ नहीं कह रही भाई, मछलियाँ, डर मत, तू टेंशन मत ले, कूल रह। तो पानी के कंट्रोल्स की बात, पानी के नहीं, पानी में कंट्रोल्स की बात करते हैं। तो आपको W से आगे होगा सिंपली, मतलब जैसे अपन करते हैं ना, पैदल चलते हैं, गाड़ी चलाते हैं, वैसे सेम W से आगे, A से लेफ्ट और D से राइट और S से पीछे की साइड तैरेगा ये, ठीक है। अब मतलब अभी मैं जैसे आप देख सकते हो पानी में गया था, वो तो चलो ऊपर से स्पीड थी इसलिए नीचे चल गया। अब ऐसे यहाँ पे पानी में कैसे जाएं, जैसे अपन डुबकी लगाते हैं ना पानी में, तो वो डुबकी कैसे लगाएं, तो डुबकी लगाने के लिए स्पेस बार प्रेस करना होगा। अब आपको नीचे गहराई में जाना है तो W प्रेस करो, W प्लस शिफ्ट। अब आप देख सकते हो ये गहराई में जा रहा है, जैसे अपन भागते हैं तो इसमें भी ये नीचे की साइड भाग रहा है। अब वापस अपन, मैं बहुत ज़्यादा गहराई में आ चुका हूँ, अब वापस मेरे को ऊपर की साइड भागना है। तो ऊपर की साइड आने के लिए एस प्लस शिफ्ट, एस प्लस शिफ्ट, तो एस प्लस शिफ्ट प्रेस करोगे तो ऊपर, और डब्ल्यू प्लस शिफ्ट तो नीचे की साइड जाएगा। तो अभी ये जल्दी पहुंच जा भाई ऊपर, पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया पहुंच गया। आह, ठंड लग रही है मेरे को भी पानी को देख के, नहाने का मन कर रहा है, क्या कर रहा हूँ मैं। तो ये हो गए नॉर्मल पानी में कंट्रोल्स की बात, अब चलते हैं कुछ स्पॉन कर लेते हैं सबमरीन के कंट्रोल्स की बात। ठीक है, वो तो वैसे चलेगी जैसे चलती है। व्हीकल्स क्या कर रहा हूँ मैं, व्हीकल्स ओनर एंड देन बोट्स। आप देख सकते हो सबमरीन हो चुकी है स्पॉन, और अभी जो है ये नॉर्मली, आप सोच रहे हो कि बोट्स के कंट्रोल्स तो बताए नहीं, बोट्स और शिप्स वो सेम है भाई। यहाँ पे मेरे को कुछ रेड रेड लोगो दिख रहा है, ये शार्क है सामने, इसकी भी मैंने वीडियो डाली थी कि ये क्या करती है, ये लोगो आता है कैसे, आता है कैसे नहीं आता, ये क्या होता है। तो ये कुछ नहीं बिगाड़ सकती अभी मेरा, क्योंकि मैं इसके अंदर हूँ भाई, लोहे का है, चल तेरे दांत ही रुक जाएंगे। वो यार वीडियो नहीं देखी तो ऊपर आपको आई बटन मिलेगा, उस पर क्लिक कर लो, दिख जाएगी, बहुत शानदार वीडियो है, मतलब थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो वो देख लेना। अब इसकी कंट्रोल्स पे आते हैं, बकवास बाद में करूँगा मैं। तो सिंपली ये वैसे ही चलता है जैसे आदमी चलता है, सब कुछ चलता है, W से आगे की साइड, अरे मेरे आगे शार्क थी, W से आगे की साइड और A से लेफ्ट, D से राइट, A से लेफ्ट और D से राइट और S से पीछे। तो ये नॉर्मल कंट्रोल, सब पानी के अंदर जाना है, तो अंदर आपको, अरे क्या कर रही है भाई तुम, तो अंदर आपको 8 प्रेस करोगे तो अंदर की साइड गहराई में जाएगा, 8 नम पैड वाला 8 तो गहराई में जाएगा, और 5 प्रेस करोगे तो गहराई से ऊपर आ जाएगा। आप देख सकते हो मैं 5 प्रेस कर रहा हूँ, नम पैड के बात कर रहा हूँ, नम पैड के कंट्रोल्स, तो 5 प्रेस करोगे तो ऊपर की साइड आ रहा है, आ गया, अरे वाह क्या छलांग आ रही है। अब इसको टर्न्स लेने के लिए सिंपली पानी में ए और डी भी कर सकते हो, और जैसे प्लेन्स में शार्प टर्न ले रहे थे इसमें भी शार्प टर्न ले सकते हैं। तो शार्प टर्न्स लेने के लिए वही सेम, आपको नम पैड वाला 4 प्रेस करना होगा, से शार्प टर्न लेफ्ट लेगी, लेफ्ट शार्प टर्न, मतलब शार्प का मतलब हो गया पैना नहीं होगा यहाँ पे, मतलब एकदम कर्व टर्न, बहुत मतलब शार्प टर्न, समझ जाओ यार, गूगल गूगल कर लो और नहीं समझ रहे तो। फिर शार्प राइट टर्न के लिए 6 प्रेस करना होगा नम पैड का। तो ये हो गए बेसिक कंट्रोल्स। तो अभी जो है शार्क मेरा पीछा नहीं छोड़ रही है यार, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो थी यार, मेरे को भी याद है, मेरे पता नहीं क्या दिमाग में यार मैंने वो वीडियो बना दी, तो प्लीज़ यार देखो यार प्लीज़, ऊपर आपको आई बटन मिलेगा। तो अब ये कंट्रोल्स हो गए, अभी अपन करते हैं वीडियो को बंद। तो पता ही है मैं क्या बोलता हूँ लास्ट में, तो वो सब कुछ कर देना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा और बाय बाय।